वेलकम स्टूडेंट, नाउ आवर टॉपिक इज़ क्लाइमेट। अब हम क्लाइमेट यानी आबोहवा के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में वेदर के बारे में डिस्कशन किया था। वेदर आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेदर के बारे में हमने पढ़ा था किसी भी प्लेस की एटमोस्फेरिक कंडीशन को मेज़र करना। एटमोस्फेरिक कंडीशंस आपके जैसे रेनफॉल है, ठीक है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, एलिमेंट ऑफ वेदर भी कहलाते हैं। तो इनको मेज़र करना वेदर कहलाता है। और वेदर आपका सम डेज़ में यानी कुछ कुछ दिनों में बदलता जाता है या कुछ आवर्स में बदलता जाता है। बट जो क्लाइमेट होता है वो आपके जो किसी प्लेस की लॉन्ग पीरियड तक क्या वेदर कंडीशन बनी रहती है ना, वो कहलाती है उस प्लेस का क्लाइमेट, आबोहवा। जैसे राजस्थान है बच्चों, वी नो दैट राजस्थान इज़ हॉट एंड ड्राई प्लेस। जो राजस्थान है वो कैसी है, गर्म प्रदेश है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ हॉट एयर्स एंड ड्राई एयर ब्लो करती है और यहाँ रेनफॉल भी कम होता है। जो यहाँ पे रेनफॉल रिसीव होती है वो बिल्कुल कम रिसीव होती है। डेट्स वाई यहाँ की जो आपका क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई रहता है। ओके, सो राजस्थान की आबोहवा कैसी हो गई, गर्म। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आबोहवाएँ ठंडी होती हैं। क्लाइमेट कैसा होता है कुछ जगह का, बिल्कुल ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है, किसी जगह ज़्यादा स्नोफॉल होती है ना। तो इस तरह से आपके लॉन्ग पीरियड तक जो वेदर कंडीशन बनी रहती है किसी जगह की, वो कहलाता है क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर एंड इट डज़ नॉट रिसीव मच रेनफॉल, सो वी कैन से दैट राजस्थान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेस। तो आपको बोला देखो, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है राजस्थान का, जनरली हाई रहता है ना, और यहाँ पर रेनफॉल भी कम होती है, इसलिए राजस्थान का जो आपका क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट और ड्राई। तो इसलिए वो हॉट एंड ड्राई प्लेस है। अब है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। सो द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया। देखिए, हमें पता है जैसा क्लाइमेट होगा उस जगह के, है ना, जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं वो उन पर इफेक्ट तो करेगा ही। अब पोलर रीजन में रहने वाले जहाँ ठंडा आपका जो होता है, जहाँ स्नोफॉल होती है, वहाँ की आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रहना, है ना, बिल्कुल अडेप्टेशन वो कैसे हैं, वो रहते कैसे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं। ठीक है, उनका जो अडेप्टेशन होगा लाइफ स्टाइल का वो अलग होगा। राजस्थान में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल अलग होगा। वो डिपेंड करता है कि उस जगह की कंडीशन कैसी है और वो क्या अडेप्ट कर रहे हैं उस जगह से। तो उनका अडेप्टेशन उस जगह के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, राजस्थान में रहने वाले लोगों का अडेप्टेशन राजस्थान के अकॉर्डिंग होगा। सो क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन इफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ दैट एरिया। The animal living in a particular region adapt themselves so that they can survive the weather condition of that place. Animals भी living organism की category में हैं, तो वो भी क्या करते हैं, उस जगह की condition को adapt कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो adapt नहीं करेंगे तो वो उस जगह पर survive नहीं कर सकते। तो उनको अगर survive करना है, उस जगह पर जीवित रहना है, तो उस जगह के weather condition को तो adapt करना पड़ेगा ही। Like polar bear होता है, वहाँ snowfall ज़्यादा होती है poles पे, तो polar bear वहाँ मिलता है, तो वो क्या करता है, वहाँ की कंडीशन को अडेप्ट कर लेता है, वो हाइबरनेशन में चले जाता है लॉन्ग पीरियड तक, क्योंकि उसे पता है यहाँ आसपास कोई खाना इतना मिलेगा नहीं, है ना, उसको फूड नहीं मिलेगा, तो वो हाइबरनेशन में चले जाता है। और हाइबरनेशन में जाने, हाइबरनेशन मतलब लंबी नींद, है ना, तो हाइबरनेशन में अगर वो चले जाएगा तो उसको भूख नहीं लगेगी और उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो उसने उस जगह की कंडीशन को अडेप्ट कर लिया। ओके, द फीचर एंड हैबिट ऑफ द एनिमल स्टार्ट टू चेंज एज पर द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। भाई फीचर हैबिट आदतें जो होती हैं एनिमल्स की, है ना, ह्यूमंस की, वो सब आपके कंडीशन पे डिपेंड करती है कि जगह का क्लाइमेट कैसा है। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक पोलर रीजन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट थैंक यू।